नगर पालिका निगम की सामान्य सभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और नालंदा परिसर के नामकरण का प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन का बहिष्कार कर दिया। दरअसल विपक्ष ने आपत्ति जताई थी कि नालंदा परिसर निगम की संपत्ति नहीं है तो किस आधार पर नामकरण किया जा रहा है। नामकरण का फैसला उच्च सदन से लेना होगा। एक बार कहें यहाँ पे उनके लोग कहते हैं कि हम दादागिरी के बल पर हम उस प्रस्ताव को पास करेंगे, तो ऐसी घटिया राजनीति यहाँ पे हो रही है। आज पहली सामान्य सभा है, हम किसी महापुरुष का विरोध नहीं करते, किसी ऐसा व्यक्ति का विरोध नहीं करते जिनके नाम से नामकरण हो रहा हो। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। दरअसल सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर महापौर एजाज ढेबर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष बगैर दूल्हे का बाराती है, दूल्हा ही गायब है और बाराती पहुंच गए हैं। महापौर के इस बयान पर विपक्ष भड़क गया। विपक्ष ने इस टिप्पणी को अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि सदन की गरिमा के खिलाफ है। महापौर ने बताया है कि विपक्ष में एक राय नहीं है। सदन में उठे सवालों को लेकर महापौर एजाज ढेबर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या ने। आम जानकारी के साथ हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहली बार ऐसा हुआ है शायद निगम के इतिहास में यहाँ कि बगैर नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष सदन में पहुंचे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से भी ये इतिहास है कि बिना किसी नेता के बारात निकाली गई बिना किसी दूल्हे के, कोई ना ही उनका कोई नेता प्रतिपक्ष तय कर पाए 10 महीने में, ना ही वो सामान्य सभा कराओ सामान्य सभा कराओ ये रोड में चिल्लाता रहे। अरे पहले तुम नेता प्रतिपक्ष तो तय करो, उसके बाद भी सामान्य सभा की बात करो। आपका नेता ही तय नहीं है कि आपका सदन का नेता कौन है। उसके अलावा जो आज सामान्य सभा में जिस तरीके का उनका आचरण रहा, जिस तरीके से वो लोग में टूट फूट दिखाई दी, जिस तरीके से वो लोग में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में पहली बार देखने को मिला है कि एक दूसरे के साथ कहीं पर भी कोई किसी के लगाम में नहीं है। ये कुछ बोलती है तो आगे वाला उसको समर्थन करता है। पांडे जी वाले मुद्दे पे जो स्वर्गीय स्वतंत्र संग्राम उनके मुद्दे पे वो उनका समर्थन कर रहा है तो सूर्यकांत राठौर जी उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब कहीं पर भी इनमें आज एकता की कहीं कोई बात नहीं दिखाई दी। ये हमारे से डर गए हैं, हमारा हम जिस तरीके से नगर निगम में हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी कार्यशैली है, हम जनता के लिए जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से डर गए और इसीलिए अभी तक के ये अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाए। चोलाराम के साथ सत्यराज की स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।